इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अकोला से, जहां पर बाइक सवार चार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी को बातों में लगाकर कार का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए सभी बदमाश। आपको बता दें कि करीब 1.5 लाख रुपए कैश और जरूरी दस्तावेज चोरी हुए। घटना करीब शाम 7:30 बजे की है। जूना शहर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी के माध्यम से जांच जारी है। ये चार बदमाश आए थे जो कि व्यापारी को अपनी बातों में लगाया और फिर उसके बाद सामान लेकर कैश और कुछ जरूरी दस्तावेज कार से चुराकर भाग खड़े हुए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ी के कांच का शीशा तोड़कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी आसपास लगे हुए उन्हें अब खंगालने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, अब पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये चार बदमाश कौन थे। पूरे मामले की जांच में जुटी हुई पुलिस हर साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप जो देख सकते हैं कि कार से किस तरह से कांच तोड़कर जो बैग था वो निकाला गया है। कुछ जरूरी दस्तावेज भी रखे हुए थे। जाहिर है कि इन बदमाशों ने पहले रैकी की, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है कि कौन ये थे बदमाश। अधिक जानकारी से शाहिद इकबाल जुड़ गए हैं। सहयोगी शाहिद, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और क्या कुछ अब तक सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं? जी आपको मैं बता दूं दीपक जी, क्या अकोला के ढोर बाजार है, गीता नगर वाशिम बाईपास पे, तो वहां पर अभी लगभग रात के 7:30 बजे उसी के आगे किराना, न्यू किराना मार्केट है, वहां से व्यापारी राजेश अग्रवाल, राजेश ट्रेडर्स के जो मालिक है, वो निकले थे कार से। अपनी कार से जब वो वहां पर पहुंचे हैं डोर बाजार के पास, तो पीछे से दो, जो उन्होंने जानकारी हमें दी है, पीछे से दो बाइक सवार वो आए, उनको लाइट चमकाया और कहा कि आपका कुछ हुआ, ऐसा करके आपका धक्का लगा हमारी गाड़ी को। वो उन्होंने गाड़ी से उतरे, आगे खड़ी करके और उनके पास आए, तो जो गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा हुआ बदमाश था वो नीचे बैठ गया, जैसा उसे मार लगाए, तो वो उससे बातों में लगे। जब उससे बातों में लगे तो उधर से दूसरे दो बदमाश मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने कांच शीशा तोड़ा कार का और वो बैग लेके वहां से फरार हो गए। जैसी ये जानकारी उनको नजर आई, वो कार के तरफ भागे, उतनी देर में ये दोनों बदमाश भी वहां से फरार हो गए। इस तरह से इस लूट के अंजाम घटना में चार बदमाश होने की जानकारी राजेश अग्रवाल दी गई है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसकी जानकारी मिलते ही जूना शहर पुलिस के सेवानंद वानखेड़े पुलिस निरीक्षक वो वहां पर अपने दलबल के साथ पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता से तफ्तीश शुरू की है और अभी फिलहाल पूरे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि वारदात किस तरह से अंजाम दी गई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पूरी वारदात बड़ी ही शातराना तरीके से अंजाम दी गई है और पुलिस पूरी मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इन बदमाशों को सुराग था कि अंदर कैश रखा हुआ है। पुलिस यही तलाश करने की फिराक में है।